हेलो गाइस, कैसे हो? तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत प्यारा सा ब्लॉग। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं अभी एक बहुत ही प्यारी सी लोकेशन पे जाने के लिए, क्योंकि ये मेरी छोटी वाली बहन का बर्थडे था। तो इसने बहुत ही इंस्टेंट प्लान बनाया, बहुत इंस्टेंट तो क्या यार, मॉर्निंग के 11 बज रहे थे और इसने बोला कि मेरे को वो एक स्पेसिफिक जगह पर जाना है जो कि बहुत दूर थी, 12-13 घंटे हमें लगने वाले थे। बट ठीक है, हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, जैसा भी है, टिकट था नहीं, चलते हैं। ठीक है, पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी था तो हम लोगों ने बहुत ही जल्दी जल्दी पैकिंग करी, और थोड़ा सा मेकअप भी करना ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए, थोड़ा सा। तो हम लोगों ने 2 से 3 घंटे में अपनी पैकिंग पूरी करी, और पैकिंग करने के बाद में हम लोग निकल गए। हम लोग तैयारी कर चुके हैं, कहाँ जा रहे हैं ये अभी मैं आपको नहीं बताऊँगी, ये आपको शायद कुछ टाइम के बाद में ही पता चलेगा वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहना, बताना ज़रूर कि हमारा ये सफ़र कैसे रहने वाला है आगे। तो मुझे भी खैर अभी बता दें, क्योंकि अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है हमारा, अभी तो पहले स्टार्ट तो करते हैं। हम पैकिंग हो गई है, तैयारी पूरी हो चुकी है, नेल पेंट लग चुकी है, सुमन ने भी अपनी नेल पेंट लगा ली है, और बहुत ही अर्जेंट में सब कुछ हुआ है। तो पैकिंग कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक बैग हम लोग लेकर जा रहे हैं अभी। बहुत अभी मॉर्निंग में प्लान बनाया और हम लोग शाम में निकल रहे हैं, कुछ ऐसा इंस्टेंट है, रात में भी नहीं बना था। लेट्स सी कैसा होता है आगे। तो हम लोगों ने बुक करी अपनी कैब, क्योंकि 3:30 बजे की हमारी ट्रेन थी गांधीनगर से। तो हम लोग निकल गए, थोड़ा सा डर लग रहा था कि ट्रेन छूट ना जाए। फटाफट से हम लोगों ने जनरल का टिकट लिया, और सामने ये मेरी बहुत प्यारी सी दोस्त है, जो भी लास्ट मोमेंट पे इसको भी हमने तैयार कर लिया। ये वैसे ऐसे तैयार होती नहीं है, बट हमने बहुत जिद करके इसको तैयार कर लिया कि चलते हैं, एक ट्रिप प्लान करते हैं, इंस्टेंट एक 2 दिन का प्लान है तो हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने का, थोड़ा सा ट्रांजिशन वाली। तो ये थोड़ा सा उसी की कोशिश है। आप देखो कितनी मेहनत लगती है और फिर भी आप सपोर्ट नहीं करते, है ना। आप मेरा अगर इंस्टाग्राम चैनल देखोगे अजमेर सफ़र, तो वहाँ पर आपको सारी रील मिल जाएगी। तो प्लीज़ यार सपोर्ट कर देना गाइज। ये रेलवे स्टेशन की भीड़ है, इसको देख के हम लोग डर गए, क्योंकि हम लोगों के पास तो जनरल का टिकट था, तो वो थोड़ा सा एक डर होना वाजिब था। लेकिन हम लोग पहुँच गए स्लीपर में, क्योंकि हम लोगों के पास ऑप्शन था ही नहीं, बहुत भीड़ थी। तो हम लोग ने सोचा क्यों ना हम लोग पेट पूजा भी कर ले, क्योंकि और ऑप्शन था नहीं, जब इस तरीके से बैठ कर जा ही रहे हैं। और फिर इसके आगे मुझे लगा कि टीटी मिलेगा, तो उससे दिल्ली तक का टिकट ले लेंगे, क्योंकि दिल्ली से आगे हमें नहीं मिलने वाला था ये पता था, क्योंकि ट्रेन बहुत ही फुल थी। सैटरडे संडे था, वीकेंड था, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब तत्काल में भी नहीं मिल रहा था। और हम तो खैर 11 बजे प्लान करेंगे और 3:30 की ट्रेन होगी तो पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। तो सोचा चलो ठीक है, आगे जो होगा देखा जाए। तो मौसम भी उस दिन बहुत अच्छा था, और हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, जैसा भी है ट्रिप को एंजॉय करते हैं आगे। थोड़ा सा ये था कि अगर पहले ही प्लान होता तो हमारे लिए एक थोड़ा आसान हो जाता, बट ठीक है यार, जैसा भी हर तरीके का सफ़र इंसान को करना चाहिए। तो खुशबू खाना पैक करा के लाई थी अपने घर से, तो वो हम लोगों ने खाया, और बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था उसकी मम्मा ने। तो हम लोगों ने अपनी पेट पूजा करी, और पेट पूजा करने के बाद में हमने नज़ारों के मज़े ले लिए कि चलो ठीक है, वो तो अब लेने थे ही। हम पहुँच चुके थे अपने आधे रास्ते पे, और आधा रास्ता अभी भी हमारा बाकी था, और वो काफ़ी चैलेंजिंग था। तो खुशबू और हम लोग ऐसे ही बीच में जो लोग मिल रहे थे, मज़े ले रहे थे, और वीडियोज़ बनाते हुए अपने टाइम को हम काट रहे थे या फिर इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं। अब सो तो सकते नहीं थे क्योंकि हमारे पास सीट थी नहीं। फिर मैंने टीटी से बात भी करी, बट उसने मना कर दिया कि बिल्कुल भी सीट नहीं है, आपको नहीं मिल सकती है सीट। आप ये बारिश तो कुछ देर के लिए हम लोगों ने सोचा कि आसपास की सीट खाली थी, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आराम कर लें। ये हमारी मेकअप आर्टिस्ट है, तो पूरा सामान साथ में लेके घूमती है। ये पढ़ाई वाले बच्चे हमारे ये पढ़ाई वाले बच्चे, इनका सर जल्दी दुख जाता है सफर में। घूमने वाले लोग हैं जो कैसे भी निकल जाते हैं झोला उठा के। ये हम उतर गए दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे ये मेरे दोस्त सहपाठी लोग घूम रहे हैं। तो हम लोग सोचे पहले चाय पीते हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद में वापस अपनी सीटों पे जाएंगे, कब जा करने के लिए। तो ये हम पहुंच गए दिल्ली, जहाँ पे हम लोगों ने सोचा क्यों ना चाय पी ली जाए। और ये हम बहुत कोशिश कर रहे हैं यार वीडियो बनाने की, कि ठीक है कुछ अच्छी वीडियोस बन जाए। और हम लोग पहुंच गए वापस अपने स्लीपर कोच में, क्योंकि ये 12 बज चुके थे और हमें सुमन का बर्थडे सेलिब्रेट करने था, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमने ऐसे ही ट्रेन में ही बर्थडे सेलिब्रेट किया।
तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, रात में हम लोग एक स्टेशन के बाहर उतरे थोड़ा सा व्यूज़ देखने के लिए और चाय पीने के लिए, और ये हम पहुंच चुके हैं काठगोदाम, जहाँ पे सुबह का नज़ारा बहुत ही प्यारा हो रहा था। 6 बजे हम लोग, ये हमारी एक लोकेशन थी जहाँ पे हमें आना था, ये सुमन के बर्थडे का दिन था, तो फटाफट फटाफट हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम तैयार होते, वेटिंग एरिया में ही हम लोग रुक गए 1 से 2 घंटा। ये हम लोग हो गए तैयार और हम लोग निकल गए हैं तैयार होकर अपने सफ़र के लिए, लेकिन अभी भी नहीं पता चलेगा आपको कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आई होप आप लोग थोड़ा तो आइडिया लगा पा रहे होंगे कि अगर हम काठगोदाम तक पहुंच गए हैं तो हम आगे कहाँ जाने वाले हैं। हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि हम नैनीताल जा रहे हैं, या फिर हो सकता है आप लोग कोई और लोकेशन गेस करो, बट प्लीज़ गेस करो। और ये तो मेरे साथ खैर होना ही था, मेरी चप्पल टूट गई यार, मतलब काफ़ी चीज़ें वैसी हुई, बट ठीक है यार, अपने को इन्जॉय करना था तो वो चीज़ें उतनी फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारी खुशबू जी वीडियोज़ बना रही है अपनी केट की कि ठीक है, मज़े आ रहे थे उसको उसके साथ में। और यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन है जहाँ से आप बस ले सकते हो केची धाम के लिए, क्योंकि हम जा रहे थे केची धाम, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग शेयरिंग ले लें, क्योंकि वो हमारी सस्ती पड़ रही थी। ये दो लोग हमें मिल गए थे, ये लखनऊ के थे कपल, तो इन लोगों के साथ में हमने शेयरिंग कर ली जो हमारे लिए काफ़ी रीजनेबल थी, 1000 रुपीज़ में केची धाम के लिए डायरेक्ट। और फिर हम लोग निकल गए नज़ारों का मज़ा लेते हुए, क्योंकि वेदर सीरियसली बहुत प्यारा हो रहा था। अगर आप इस वाले टाइम पर जाते ना, सितंबर या अक्टूबर, मतलब इससे पहले पहले जब बारिश बीच की रहती है, तो मज़ा बहुत आता है, क्योंकि बहुत ही प्यारे नज़ारे होते हैं और आपका सफ़र बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। तो अब इतना हैक्टिक हम लोग होकर आए, लेकिन इन नज़ारों को देखकर तो मुझे लगा कि वो थकान ही हमारी ख़त्म हो चुकी थी, कि ठीक है यार मज़ा आ गया देखकर कि चलो मज़ा लेते हैं। तो ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि आपको उत्तराखंड के ये नज़ारे कैसे लगे, और कमेंट सेक्शन में सुमन को विश भी कर देना यार, थोड़ा सा पता है थोड़ा सा लेट हो गया मुझे वीडियो अपलोड करने में, जो कि मैं हमेशा हो जाती हूँ यार, मैं पता नहीं क्यों टाइम के पाबंद नहीं हूँ, मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं टाइम पर वीडियो अपलोड करूँ, बट मुझसे कभी नहीं हो पाता। तो ये भी करीबन 5-6 दिन एक्स्ट्रा हो चुके हैं, बट प्लीज़ यार अगर आपको लगे तो बर्थडे विश कर देना, मुझे भी तो आप लोगों ने काफ़ी टाइम बाद भी बर्थडे विश कर रहे थे आप लोग, है ना, वीडियो में भी, तो सुमन को भी बर्थडे विश कर देना। तो एक सबसे प्यारी चीज़ ये थी कि ये जो क्लाउड्स थे माउंटेन्स के ऊपर, वो मतलब दिल मोह लिया था उसने पूरा। और तो आप लोग भी अगर केची धाम जाने का प्लान कर रहे हैं तो शेयरिंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि आपको भी 120 या 150 आपको बस से लगता है काठगोदाम से केची धाम का, और हम लोग को अप्रोक्स 200 पड़ा था यहाँ पे शेयरिंग में। तो 4-5 लोग होंगे तो आपके लिए सस्ता पड़ेगा, और शेयरिंग में ये फ़ायदा होता है कि आपको जहाँ दिल करता है आप आराम से रुक जाते हो, फोटोग्राफी चाय नाश्ता वो ईजिली आप कर पाते हो, अदरवाइज़ तो फिर बस में तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हम लोग निकल गए और देखो लोग झरनों में मस्त नहा रहे और मज़े ले रहे थे, हम लोग तो खैर रुक नहीं पाए क्योंकि हमें पहुंचना था टाइम से, क्योंकि दिन के बाद में वहाँ भीड़ बढ़ जाती है केची धाम में, और सुमन का तो बहुत दिल था कि पहले मुझे दर्शन करने उसके बाद मुझे घूमने हैं। फिर भी हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पे रास्तों में, तो ये मज़ेदार था। ये देखो ये ना कार में भी मेकअप आर्टिस्ट है ना, तो इसने स्टार्ट कर दिया है मेकअप करना, देख रहे हो आप दोस्तों, ये नुकसान होता है मेकअप आर्टिस्ट को साथ में लाने का। सुंदर लग रहा है, देखो सुंदर बना रही हूँ मैं, और नुकसान है, और ये बड़ी गर्ल है यार, इसको तो सुंदर लग रहा है। गाड़ी रुक गई और वो भैया हो गया, लोग उधर चले गए, हम लोग यहाँ रुके हैं आज। ये क्या ले यहाँ का, अरे यार लेकर लेकर जाना भी तो साफ बना रखा। तो गाइस हम लोग पहुंच गए यहाँ बहुत खूबसूरत नज़ारों के सामने, मेरी दोस्त भी व्लॉगिंग करने की कोशिश कर रही है बट फिलहाल थोड़ा सा ट्राई नहीं कर पा रही है। ये पीछे के नज़ारे हैं जो कि बहुत खूबसूरत है, और हम लोग यहाँ चाय पीने के लिए रुके हैं, और ये मेरा पहाड़ है, ये खैर इनका डिस्कशन बाकी है। यहाँ पे हम लोगों ने स्टॉपेज लिया था क्योंकि व्यूज़ काफ़ी प्यारे आ रहे थे, और फिर ऐसे नज़ारों के साथ में तो चाय और मैगी बनती है, और ये मैगी का मज़ा तो पहाड़ों में ही आता है, मतलब जो लोग जाते हैं पहाड़ों में वही जानते हैं कि मैगी क्यों खाई जाती है पहाड़ों में
तो हम लोग करीबन एक घंटा यहाँ पे रुके। ये फ़ायदा होता है शेयरिंग का, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि शेयरिंग में आप जाइए, मज़ा आएगा आपको। ऐसे टाइम पे आप जा रहे हो जहाँ पे आपको वेदर बहुत प्यारा मिलने वाला है। तो भैया भी हमारे काफ़ी अच्छे थे जो हमारे ड्राइवर भैया थे। आप लोग भी अगर जाओ तो इनसे जाओ, तो आप लोग भी अगर जाते हो तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर अपलोड कर दूंगी, वो आप एक बार देख लेना, इनसे कांटेक्ट कर लेना। काफ़ी रीजनेबल प्राइस में पहली बातें लेकर जाते हैं और बहुत ही अच्छा इनका नेचर है और आपको काफ़ी कॉपरेट भी ये करेंगे कि जहाँ जहाँ आपको कभी रुकना रहेगा या कुछ, ऐसे और ड्राइवर्स की तरह काफ़ी रूट देंगे कि इतना कम में ले रहा हूँ तो मैं नहीं रुकूंगा या कुछ भी। बहुत अच्छे हैं, मतलब हम लोगों को काफ़ी एक अच्छा ड्राइवर मिल गया था इन, तो ये काफ़ी अच्छा था हमारे लिए। और ये ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचने वाले थे, थोड़ी सी थकान सबके चेहरों पर थी, लेकिन एक कहते ना एक्साइटमेंट थी। हम लोग केची धाम पहुँचने वाले थे और दर्शन करने वाले थे, जिसके वहाँ जाने के लिए हम लोग करीबन 6 महीने से सोच रहे थे। और ये दिन कहते हैं ना कि जब बुलावा आता है तभी लोग जाते हैं, तो ये बहुत ही इंस्टेंट प्लान था, लेकिन ये खैर मुझे लगता है कि बुलावा था और ऐसे ही बुलाना था वहाँ पे, तो ठीक है ऐसे ही हम जाते हैं। तो ये सोचकर थोड़ा सा हम लोग खुश थे। और सबसे अच्छी चीज़ ये हुई थी यहाँ पे कि जो व्यूज़ थे ना, इसकी वजह से हम अपना दुख दर्द भूल चुके थे कि हम रात में कितना परेशान हुए थे, सो भी नहीं पाए थे। हम लोग का ये था कि चलो ठीक है, एक दिन का ट्रिप है तो थोड़ा मज़े लेते हैं, उसके बाद में घर पे जाके आराम से आराम करेंगे। तो अगर आप अपने खुद के व्हीकल से भी जाते हो तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ से नैनीताल एक डिफरेंट रूट पे जाता है और यहाँ से ही केची धाम आगे जाता है जो कि अल्मोड़ा वाले रोड पे है, तो मतलब ज़्यादा दूर आपको नहीं पड़ेगा, आसपास की लोकेशन है ऑलमोस्ट सब जगह पे। तो फिर हम लोगों ने तो सोचा कि पहले हम केची धाम ही दर्शन करेंगे, उसके बाद में ही फिर हम अल्मोड़ा आएंगे। मतलब भैया ने तो हमें काफ़ी इंसिस्ट किया था कि वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी जगह थी, जैसे भीमताल है, मुक्तेश्वर है, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। बट हम लोगों का ऐसा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि एक दिन का प्लान था और मुझे भी वापस आना था क्योंकि मेरा ऑफिस था नेक्स्ट डे, और दूसरी बात थी कि मेरी दी का बर्थडे था, तो वो हम लोग मिस नहीं कर सकते थे। तो वो प्लान काफ़ी बहुत शॉर्ट था, अगर नहीं होता तो फिर हम लोग 3-4 दिन का उधर ही घूम के आते, बट ठीक था, जो भी था काफ़ी अच्छा था। और हम लोगों ने सोचा कि जो भी होता है वो अच्छा ही होता है, एक दिन का प्लान था वो भी बढ़िया था। मतलब कहते हैं ना, वैसे भी हम लोग अभी जस्ट जाके आए थे तो काफ़ी हेक्टिक ही था कि भाई फिर से दोबारा जाना, लेकिन हमने इसीलिए शॉर्ट प्लान बनाया। और पहाड़ों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लैंडस्लाइड बहुत होती है इस टाइम पे, तो डर वैसे भी बहुत ज़्यादा लगा रहता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए। और ये व्यूज़ तो खैर आपको भी देख के मज़ा आए होंगे कपल्स वाले। तो अपने सफर को एंजॉय करते हुए हम लोग भी जा रहे थे और पहुंचने वाले थे अपनी मंजिल पे, जो कि बहुत ही एक्साइटेड था कि हम फाइनली पहुंचने वाले हैं केची धाम। ये यहाँ का दूर से नज़ारा था और हम लोग काफ़ी सेटिस्फाइड थे कि फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हम लोग पहुंच गए। और सुमन के चेहरे पे तो खुशी बहुत ही ज़्यादा, नहीं अच्छा लग रहा, ये वाले कुरकुरे तो मैं नहीं खाता, कुछ तो मिला। अच्छा आप देख पा रहे हो ये जो व्यूज़ है, ये ही केची धाम है जहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। हम लोग भी काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे, लेकिन अब जाके हम लोगों का प्लान बन पाया फाइनली और हम लोग पहुँच गए। और मुझे नहीं पता था कि 3 घंटे पहले का प्लान बनने वाला था जो कि हम पिछले 6 महीने से बना रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना प्रसाद ले लिया जाए और प्रसाद लेकर फिर हम लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोज़ पहले ही शूट कर लिए थे, हम लोगों ने फ़ोटोशूट भी पहले करा लिया, क्योंकि अंदर फ़ोटो और वीडियो अलाउ नहीं करते। हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे और ये प्रसाद लेकर हम लोग दर्शन करेंगे, अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो दर्शन करके आराम से फ्री होंगे, फिर देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं। तो ये यहाँ पे एंट्री गेट है, आप अगर डायरेक्टली यहाँ पे पहुँचते हो तो यहाँ पे नहाने का ऑप्शन भी होता है, 100 रुपीज़ वो लोग लेते हैं, और थोड़ा पहले तक ही आप वीडियो बना पाते हो, उसके अंदर तो वो लोग बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। तो मैंने भी इस चीज़ का वो कहते हैं रूल्स और रेगुलेशन का पालन हमेशा करना चाहिए ऐसी जगह पर, तो मैंने भी वही किया। हम लोगों ने सिर्फ यहाँ तक बनाया, इसके आगे हम लोगों ने नहीं बनाया। बहुत सारे लोग थे जो नहीं समझते हैं, तो वो लोग बना रहे थे, तो मैं नहीं मानती कि मुझे कि ठीक है यार ऐसी जगह पर अगर नहीं अलाउ कर रहे हैं तो मानना चाहिए, है ना। आप यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए नहीं आए हो, बेसिकली यहाँ पे आप दर्शन करने के लिए आए हो, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हम लोग दर्शन करके आ गए, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी, 30-40 मिनट में हम लोगों का नंबर आ गया था, मतलब लाइनों के बाद में पहुंच के वापस हम लोग रिटर्न हुए, और जल्दी आ जाएगा अगर आप सुबह के टाइम पर जाओगे, इसीलिए सुबह को प्रीफर करो, उसके बाद तो फिर ट्रैफिक लगना स्टार्ट हो जाता है और काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, भीड़ बहुत होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये प्यारा सा फ़ोटो शूट भी मैंने कराया और सुमन के साथ में भी मैंने ये प्यारी सी फ़ोटो खिंचवाई जो कि बहुत ही प्यारी थी। तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए और हम लोग निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए नैनीताल।
तो गाइस जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप भी नीम करौली बाबा को जानते हैं और उनको मानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर जय श्री राम। और मेरी सिस्टर को बर्थडे भी विश कर देना जाते जाते, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एक नैनीताल का छोटा सा ब्लॉग बचा हुआ है, वो भी आप लोग देख लेना, जो कि मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। गाइज़ थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ सपोर्ट कर दो।